बताइए, एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहां पर मुझे हातिम ताई मूवी की याद आ गई थी, यानी कि वहां पर भी कैसे जितेंद्र और सतीश शाह दोनों की जोड़ी बताई, तो वैसे यहां पर भी जेरार्ड द विचर और उसके साथ एक पोएट है। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूं राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द विचर। ये वेब सीरीज को लोग काफी कंपेयर कर रहे हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स से, और लोग का ये भी कहना है कि ये अगली गेम्स ऑफ थ्रोन्स बनने वाली है। लेकिन क्या ये वाकई में अगली गेम्स ऑफ थ्रोन्स है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में पहली बार आया तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसमें ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो शुरू करता हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, इस वेब सीरीज में आपको तकरीबन 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए लगभग 1 घंटे से लेके 47 मिनट की है, हालांकि 47 मिनट का सिर्फ एक एपिसोड है। इसकी कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इसके 3 मेन कैरेक्टर है, एक तो जेरार्ड द विचर, दूसरा प्रिंसेस सीरी और तीसरा जादूगरनी जेनिफर। तो अब मैं आपको कहानी बताता हूं। कहानी शुरू होती है जेरार्ड द विचर से। जेरार्ड का रोल यहाँ पे प्ले किया हेनरी केविल ने। तो जेरार्ड द विचर के पास काफी मैजिकल पावर्स होती है, और वो मॉन्स्टर क्रीचर दानव को मारता है और उसके बदले उसको पैसे मिलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब उसको एक बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो क्या वो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेता है? उसके अलावा इस वेब सीरीज में हमें क्या कुछ अलग हटके देखने को मिला, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दें ये वेब सीरीज मुझे पर्सनली क्या कुछ अच्छा लगा। तो देखिए, एक फैंटेसी जॉनर वाली वेब सीरीज है, यहाँ पर आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि स्वॉर्ड फाइटिंग अच्छी देखने को मिलेगी, अच्छे विजुअल्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, और एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी जो कि आप लोग इस तरह की फैंटेसी वेब सीरीज में मोस्टली देखते आए हो। और इसकी जो अच्छी बात बताऊं तो वो है इसका परफॉर्मेंस में मुझे सभी एक्टर का काम अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर नाम लूंगा दो ही एक्टर का जिसका काम मुझे अच्छा लगा। एक तो हेनरी केविल जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया जेरार्ड द विचर का, और दूसरा जादूगरनी जेनिफर का रोल प्ले करने वाली एनिया क्लोहोत्रा का। उन दोनों का काम मुझे इस वेब सीरीज में बहुत अच्छा लगा। यूं तो इस वेब सीरीज की जो लेंथ है वो लेंथ बहुत ज्यादा है, करीब करीब 1-1 घंटे के एपिसोड है, लेकिन कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी उन लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी जो यहाँ वहां बातें करते हुए इस वेब सीरीज को देखे, क्योंकि इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो पास्ट में चलती है, फिर प्रेजेंट में चलती है, फिर पास्ट में प्रेजेंट में, तो इस तरीके की जंप करती है बार बार पास्ट में प्रेजेंट में। तो ये आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें पास्ट कौन सा है और प्रेजेंट कौन सा है। और जो कहानी में ट्विस्ट है वो आता है 7वें एपिसोड में। आपको लगभग सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि शुरुआत से एक्चुअली चल क्या रहा है। ये वेब सीरीज काफी स्लोली स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वेब सीरीज आगे बढ़ती है। इस वेब सीरीज में ऐसा होता है कि फर्स्ट एपिसोड में जो एंड में जो खून खराबे वाला सीन बताया वो सीन देखकर आपको काफी इंटरेस्ट होता है, फिर उसके बाद वापस से एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो कैरेक्टर्स इसमें बहुत है और सबके अलग अलग चीजें बताई है। एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहां पर मुझे हातिम ताई मूवी की याद आ गई थी, यानी कि वहां पर भी कैसे जितेंद्र और सतीश शाह दोनों की जोड़ी बताई, तो वैसे यहां पर भी जेरार्ड द विचर और उसके साथ एक पोएट है। वो पोएट का काम यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी करने का, और उसने अपने काम बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। अगर वो नहीं होता तो कुछ सीन्स में जो हंसी आती वो हंसी बिल्कुल नहीं आती। तो उन दोनों का जोड़ी मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी। ये वेब सीरीज ठीक ठाक है, बस बशर्ते ये है कि अगर आप वेब सीरीज को गौर से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी, अगर आप उसको गौर से नहीं देखोगे तो आपके सर से बाउंसर हो जाएगी और आप लोग चिन्ने लोगे द विचर से। लेकिन मैं आप लोग से इतना बोल सकता हूँ कि भाई इस वेब सीरीज को जितना गौर से देखोगे उतना अच्छा, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। हाँ, गेम्स ऑफ थ्रोन से इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, गेम्स ऑफ थ्रोन एक अलग लेवल की है, ये एक अलग तरीके की वेब सीरीज है। और इतना बोल सकता कि काफी जिसके फैंस है उन लोगों को ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस मामले में और डायरेक्शन मामले में कोई भी कामियां नहीं लगी। हाँ, इसमें न्यूडिटी सीन्स बहुत ज्यादा है, वो इस तरीके की फैंटेसी वेब सीरीज में होते ही है, तो वो तो एक लाजमी है। और मुझे पता है कि बहुत से लोग आजकल वेब सीरीज घर वालों के साथ देखते नहीं, तो वो तो मैं आप लोगों तो घर वालों के साथ देखते है नहीं, तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी न्यूडिटी सीन्स है अगर आप लोग घर वालों के साथ बैठ के देखने आते तो ये वेब सीरीज आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है लेना। और हाँ, इससे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।